आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट अब चलन में बंद करने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में तो हलचल मची हुई है, लेकिन आम जनता और व्यापारियों में इस 2000 रुपए के नोट बंदी पर ग्रैंड एशियन न्यूज ने जनता और व्यापारियों से इस नोट बंदी पर राय ली, तो उनकी क्या राय थी, देखिए खास रिपोर्ट। 2000 रुपए के नोट को 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए नोट की बंदी के बाद भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी किया गया था और 10 नवंबर 2016 से परिसंचरण में भी रहा, लेकिन अब फिर आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को बंद करने की घोषणा की है, क्योंकि आरबीआई के मुताबिक 2000 रुपए के नोट आमतौर पर लेन देन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं हो रहे हैं। आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये फैसला लिया गया है कि 2000 रुपए के नोटों को चलन से हटा लिया जाए। हालांकि आपके पास पूरा समय होगा कि आप बैंक जाकर अपने पास रखे 2000 रुपए के नोट को बदल सकते हैं। आरबीआई ने लोगों से 30 सितंबर तक नोट बदलने के लिए कहा है। इस नोटबंदी को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल देखी जा रही है, लेकिन जब हमने आम जनता और व्यापारियों से इस विषय को लेकर चर्चा करनी चाही तो उनका कुछ और ही नजरिया रहा और कुछ और ही मानना रहा। आप भी सुनिए उनका क्या कहना है इस मामले में। प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है बहुत सही निर्णय लिया है। हम व्यापारी हैं, एक नंबर का काम करते हैं, उसको डरने की क्या ज़रूरत है जी। दोस्त हम लोग कोई नोट जमा करके तो नहीं रखते, हमारे यहाँ जितना भी आज का नोट आया बैंक चला गया। हमारे पास अभी बहुत टाइम है, 4 महीने का टाइम है, आपके पास नोट है बैंक ले जाओ जमा कर दो। एक नंबर का है तो कोई दिक्कत नहीं है, और दो नंबर का है तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने भाई। गवर्नमेंट तो आज इस हिसाब से चल रही है कि भाई अपने को हर काम दिखता है साफ सुथरा होना चाहिए, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वर्कर हो, चाहे कहीं भी हो, कोई भी विभाग का आदमी हो, स्वच्छ काम होना चाहिए। इसमें कहीं भी कोई लापरवाही या घूसखोरी या कोई घपलाबाजी ये बर्दाश्त नहीं। व्यापारी दबाए नहीं है, कोई भी नोट तो अब नहीं दबा सकता, क्योंकि जो है सबको डर है कि अगर दबाएंगे तो मोदी जी का डंडा रातों रात चलता है, रातों रात नोट बंद कर देते हैं, तो दबाएगा तो कोई नहीं, नोट दबा नहीं है। ये बिल्कुल अच्छा है जी, अच्छा। ये नोट मार्केट में पहले से ही जो है हुआ तो था कि 2000 का बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो मार्केट में आना वैसे भी कम हो गया था। कोई अगर मान लो लाता भी था तो जल्दी उसको बैंक पहुंचा दी, पता नहीं कब बंद हो जाएगा। रखते ही नहीं था जी, बहुत लफड़े वाला काम था। बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, क्योंकि अभी हमारी मार्केट में कम से कम पिछले लगभग 3 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि नोट आ ही नहीं रहा है 2000 का, ना के बराबर। महीने दो महीने एक आध नोट आ गया तो आ गया, और हम लोग तुरंत उसको उसी दिन बैंक में जमा हो जाता है पैसा वो। तो कहीं से भी ये किसी व्यापारी के लिए ये दुखा या नोटबंदी या ऐसा कुछ, नोटबंदी तो कतई नहीं है, ये नोटबंदी का इससे कोई संबंध नहीं है। नोट का प्रचलन वैसे 2000 कम हो चुका था, और आम इंसान के लिए 2000 का नोट बहुत बड़ा होता है, जब उसको यूज़ कर ही नहीं रहा है तो जमा ही करो। और उसकी प्रिंटिंग मेरे ख्याल से 2018 से बंद हो चुकी है, गवर्नमेंट उसको हमको पहले से अंदाजा था कि नोट बंद होने वाला है, जब पता ही है सब कुछ पहले से होने वाला, तो फिर तैयारी थी, तो जो रोक कर रखा है वो फंसे, जो ना रखा है वो। अरे सर, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि नोटबंदी नोटबंदी आप लोग क्या लगा रखे हो, नोटबंदी किसको कहते हैं, नोट हो तब तो बंद होगा। देखिए पहली बात तो ऐसा है, ये कोई नोटबंदी का मामला नहीं है, ये एक 2000 रुपए ऐसा है कि 77% तो वैसे ही अपने भारत देश से चला गया था, बचे 23% नोट थे। तो मेरे हिसाब से अगर ये मोदी सरकार अगर बंद कर रही है तो इसमें कोई गलत नहीं है, और वैसे भी किसी बंद करने का कुछ रीज़न होता है, कारण होता है, तो ये कारण जो है अपने को समझना है कि क्यों बंद हो रहा है, क्या आगे हमारी क्या व्यवस्था है, और मेरे हिसाब से ये बहुत ज़रूरी भी है। तो आज हमारा भारत देश जो है तरक्की करेगा, तो यदि आप उसको नोटों को कुछ समय तक आप बंद करोगे, उसमें अपने को गवर्नमेंट को साथ देना चाहिए। ये अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको आगे इन चीज़ों का परिणाम अच्छा मिलेगा। नहीं, इलेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है, इलेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक जरिया बन गया है कि भाई मोदी सरकार कर रही है तो इलेक्शन के नाम से कर रही है, इसका कोई इलेक्शन से लेना देना नहीं। कुछ लोगों के पास नोट दबे हुए हैं,
तो उनको यही लगता है कर अरे इनका क्या करें, लेकिन सरकार ने इसके लिए 4 महीने का समय भी दिया है, सितंबर तक आप उसको ठीक कर सकते हो। ऐसा नहीं हो रही कि कोई नोटबंदी है, लाइन लगाना है, चलो बंद करना है, बैंक में जल्दी डालना है, आपको 4 महीने का समय दिया है। 4 महीने में मैं समझता हूँ एक आप अगर परसेंटेज वाइज देखोगे तो 4 नोट एक आदमी के पास नहीं होगा। अब उसके लिए क्या जो उनके पास पैसा जो पड़ा हुआ 2 नंबर का पैसा है ना, तो वो निकलेगा पैसा पूरा बाहर है ना, और लोगों का भी ठीक समझ में नहीं आ रहा। जैसे उन्होंने बोला ना कि 20 नोट लिए जाएंगे, तो लोग समझ रहे हैं कि 20 ही नोट लिए जाएंगे, उसे क्लियर कट करना चाहिए, है कि नहीं। तो 4 महीने के लिए है मेरे ख्याल से। अब ये बार बार मतलब नहीं करना चाहिए, लोगों दिक्कत होती, प्रॉब्लम आती है लोगों को। अब ग्राहक 2000 नोट लेके आ रहे हैं, अब 100 रुपये कपड़े ले रहे हैं, बोलते हैं 1900 रुपये वापस दो, तो अपने को भी दिक्कत हो रही है ना।